फ्रेंड्स वेलकम बैक टू संगीता'स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। फ्रेंड्स, दाल मखनी और गार्लिक नान का कॉम्बिनेशन बहुत ही मजेदार लगता है, सो लेट्स बिगिन द रेसिपी। फ्रेंड्स, दाल मखनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दाल और 1/4 कप राजमा। इनको 6 से 7 घंटे तक भिगो लेंगे और फिर हम इसको कुकर में विसल दिलाएंगे। दाल बॉईल करने के लिए मैं दाल को कुकर में ट्रांसफर करूंगी। ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 बेलीफ, स्मॉल पीस ऑफ सिनेमन, 1 मोटी इलायची, 2 कप पानी और ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, जिससे कि दाल बॉईल होकर बाहर नहीं गिरेगी कुकर में से। अब इसको हम एक विसल आने के बाद 20 से 25 मिनट्स तक स्लो गैस पर रखेंगे। फ्रेंड्स, जब तक दाल बॉईल हो रही है, हम टमाटर अदरक का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर। अब हम इसको मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है जिंजर, रफली चॉप टमाटोज। इसमें आप लहसुन भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, दाल बॉईल होकर रेडी हो गई है। देखें आप कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, क्योंकि हमने स्लो गैस पर इसको 20 से 25 मिनट तक रखा है। तो अब इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है बटर और बटर के साथ ऑयल, ताकि बटर बर्न ना हो जाए। ऐड करेंगे जीरा, ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, इसको थोड़ी देर ढककर पकने देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना जीरा, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड लगाकर इसको पकने के लिए रख देंगे। ग्रेवी पक गई है, जैसे कि ऑयल छोड़ रही है। अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड कस्तूरी मेथी, 2 बड़े चम्मच घर की मलाई, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड दाल, थोड़ा सा बॉइल्ड पानी ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी और ऐड कर और इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक स्लो गैस पर पकने देंगे। तो हम इतना पानी ऐड करेंगे कि आराम से ये पक जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दाल रेडी है, आइए इसको नान के साथ सर्व करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।